Hello everyone. Today I am going to teach you the importance of group discussion skills. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ group discussion skills की importance. Skills माने होती है आपके अंदर जो उसको उस GD का गुण होता है, उस वो अगर आपके अंदर है तो उसकी क्या महत्वता है. The ability to take effective part in GD is one of the most important skills that contribute to professional success. तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर आप डिस्कशन करने में माहिर हैं तो आप प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे. वेदर वन इज़ अ स्टूडेंट, अ जॉब सीकर, अ प्रोफेशनल इंजीनियर और अ कॉम्पिटिटिव कंपनी एग्जीक्यूटिव एंड नीड्स इफेक्टिव GD स्किल्स. तो चाहे आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हों, चाहे आप कंपनी में हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनी वेयर यू आर डूइंग योर वर्क, अगर आपके पास डिस्कशन करने की एक काबिलियत है तो डेफिनेटली आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे उसमें आप अपना एक सक्सेसफुल मकाम जल्द ही बना पाएंगे. अ स्टूडेंट मे हैव टू टेक पार्ट इन एकेडमिक डिस्कशंस, स्टूडेंट्स मीटिंग्स, ग्रुप डिलिब्रेशंस, इंटरेक्टिव क्लासरूम स्पीचेस, डिस्कशंस एक्सेट्रा. तो जो स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारा कुछ सीखने को होता है, वो एकेडमिक्स में ही उसको मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, अपनी बात को रखना होता है, स्पीचेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, तो सभी जगह ये ज़रूरी है. अ जॉब सीकर में बी रिक्वायर्ड टू फेस सिलेक्शन, GDs एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. तो कोई को अगर नौकरी चाहिए तो उसको हो सकता है कि GD उसके सिलेक्शन प्रोसेस का ही एक हिस्सा हो, जिसके उसके नंबर मिलेंगे तो उसको GD करना आना चाहिए. प्रोफेशनल्स की जहाँ तक बात है तो इन केस ऑफ प्रोफेशनल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो हैव टू टेक पार्ट इन प्रोफेशनल मीटिंग्स एंड डिस्कशन. तो कोई भी प्रोफेशन हो उसमें लगातार आप अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग्स और डिस्कशंस होते हैं, जिसमें कि GD में आपको महारत होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी एक पहचान नहीं बना पाएंगे. All these situations require ability to make significant contribution to group deliberation and help the group in the process of decision making. तो जब भी कोई discussion होता है तो आप वहाँ रहिए, आप वहाँ पर अपनी बात रखिए और help करिए कि एक अच्छा decision करने में आप सहयोग, आपका सहयोग उनको मिल पाए. The importance of GD has increased in recent times due to increasing role as an effective tool in problem solving, decision making, personality assessment. तो GD का वर्तमान समय में बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है. अगर आप GD में माहिर नहीं है तो डेफिनेटली ये एक सेटबैक होता है, क्योंकि आज का जो डिजिटल एज है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डिजिटलाइज हो रही हैं, कन्वीनियंट हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ तालमेल होना ज़रूरी हो गया है. तो इसलिए पर्सनालिटी आपकी मैग्नेटिक होना मस्ट है अगर आप सक्सेसफुल करियर चाहते हैं. सो देयरफॉर GD इज़ वन ऑफ द वेरी ब्राइट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज जॉब सीकर्स एंड प्रोफेशनल्स. इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन, ग्रुप डिस्कशन एड्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो सारी ही कंपनीज में, लगभग कुछ में नहीं सभी में, ग्रुप डिस्कशन जो है वो हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और साथ ही साथ एक अच्छे निर्णय पे पहुंचने में. व्हेन अ प्रॉब्लम सिचुएशन अराइजेज द कंसर्न पीपल डिस्कस इट. जब भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अचानक से यकायक, तो जो भी लोग कंसर्न होते हैं, काम कर रहे होते हैं उसमें, तो वो सब उसको डिस्कस करते हैं और फिर एक अच्छे और सुयोग्य निर्णय पर पहुँचते हैं. दे एक्सचेंज ए परसेप्शंस अबाउट द प्रॉब्लम एंड एट द बेस्ट ऑप्शन इज चूजन बाय द ग्रुप. तो जब भी डिस्कशन होता है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं और सबके आपसी समझ से, आपसी सलाह से, आपसी हामीकारी से जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है उसको वो ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है. सिमिलरली वेन एवर देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफरेंट आस्पेक्ट्स आर एनालाइज, इंटरप्रेटेड, इवेल्यूएटेड, दिस लीड्स टू इफेक्टिव डिस्कशन. तो जब भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लोग होते हैं, और अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स एनालाइज किए जाते हैं,
उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनको एवेल्यूएट कर जाता है, उनकी मार्किंग की जाती है, तो एक अच्छा इफेक्टिव डिसीजन हमारे पास फलस्वरूप हमको मिल जाता है। GD इज ऑल्सो यूज एज अ टेक्निक फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ फॉर जॉब सिलेक्शन। तो अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जॉब सिलेक्शन के लिए आजकल GD की जो एक कला है, ग्रुप डिस्कशन करने की जो कला है, वो कंपनीज ज़रूर तलाशती हैं लोगों में, क्योंकि उनको अपने प्रॉब्लम्स जो उनकी कंपनी में अराइज होंगी जब कब, तो उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए योग्य लोग चाहिए जो कि एक दूसरे से डिस्कशन में माहिर हो, ना कि डिबेट करने में। ग्रुप्स आर डिवाइडेड टू 8 or 10 मेंबर्स आर फॉर्म्ड एंड आर गिवन अ टॉपिक। तो ये प्रोसेस बताया गया है कि कैसे करते हैं ये कंपनीज, जब भी चेक करती हैं GD का जो कैपेबिलिटी होती है अपने जॉब सीकर्स में, तो वो क्या करती हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो भी नौकरी पाने के लिए बच्चे आते हैं, उनको 8 या 10 के ग्रुप्स में बैठाते हैं, और साथ ही उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है और एक टाइम लिमिट दे दी जाती है, जैसे 30 से 45 मिनट की, और इस बीच में वो आपस में डिस्कशन करते हैं। एंड दीज पीपल हु आर जस्ट चेकिंग देम आउट, दे सी देम थ्रू देयर कंप्यूटर्स, और कैमराज लगे रहते हैं, एंड दे ऑब्जर्व दैट हाउ डू दे डील, कैसे ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, ये किस तरह से उस टॉपिक पे बातचीत करते हैं। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि उनके हाव भाव, उनके बात करने का तरीका, उनकी वर्ड्स की वोकैबुलरी, उनका दूसरों के प्रति व्यवहार, उनको दूसरों को सुनने की आदत है या नहीं है, ये सारी छोटी छोटी बातें वो बहुत गौर से कहीं दूर किसी कमरे में बैठ करके कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू देख करके और इसको इवैल्यूएट कर रहे होते। सो द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी इवैल्यूएट डिफरेंट स्किल्स, ये डिफरेंट स्किल्स वही हैं जो मैंने अभी आपको एक लिस्ट बोली है, reflected by the candidates and those reflect leadership qualities, उनकी leadership qualities वो check करते हैं इसके through, and emerge as a natural group leaders are shortlisted, और उसमें जो उनको सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ जान पड़ता है उसको वो select करते हैं। Thus all of us need effective GD skill, इसलिए हमको विशेष तौर पर socially बहुत competent होना होगा अपने व्यवहार को लेकर के। तो एक जैसे लोक व्यवहार की कला, एक किताब भी है, ये राइटर का नाम मैं भूल रही हूँ, बट लोक व्यवहार आना चाहिए, हाउ टू बिहेव। अगर आप बाहर के लोगों से बिहेव करना सीख जाएंगे तभी आप अंदर के लोगों से, अपनी फैमिली मेम्बर से भी उचित व्यवहार कर पाएंगे, तो क्योंकि आप तो एक ही हो। अगर आप प्रॉपरली बिहेव करना सीख गए तो चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर, यू विल बिहेव इन अ प्रॉपर वे, यू कांट बी स्प्लिट इनटू टू वे। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू टेक पार्ट इन GD एंड वेरी कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली। पार्टिसिपेंट शुड नो हाउ टू परसुएड देयर ग्रुप मेंबर्स, हाउ टू रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस व्हाइल स्पीकिंग, हाउ टू रिफ्लेक्ट लीडरशिप क्वालिटीज। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रुप मेंबर्स को अपनी बात से कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे आप उनके अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप अपने मन के जो विचार हैं उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर व्हाइल यू आर स्पीकिंग। सो हाउ टू रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, ये आपको आना चाहिए, ये कला है। दिस नीड्स अ स्पेशल प्योरिटी ऑफ पर्सनालिटी। आप जितने प्योर, जितने क्लियर हो जाएंगे उतना ही ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर उतर जाएंगी। दे शुड हैव ability to take the initiative during the discussion, जो भी participant होते हैं, चाहे आप हो चाहे कोई और, जो कोई भी initiative लेना जानता है, जो शुरुआत करना जानता है, उसको +1 marks ज़रूर मिलते हैं, और जो सबको साथ लेकर चलता है वही विनर होता है आज की डेट में। ये सारी ही बातें GD की खास क्वालिटीज़ हैं, और आप यकीन मानिए अगर आप GD स्किल्स को सही तरह से समझते हैं, इसको अपने लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में उतारते हैं, तो आप करियर में ही सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप लाइफ में भी सक्सेसफुल होंगे। सो एट लास्ट वी आर रीडिंग, दे शुड हैव द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव ड्यूरिंग द डिस्कशन, प्रेजेंट देयर पर्सनल व्यूज इन एन इफेक्टिव वे, डेवलप देयर आइडियाज लॉजिकली, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द व्यूज एक्सपायर्ड बाय अदर मेंबर्स, एक्सपीरियंस बाय अदर मेंबर्स,
and emerge as natural leader of the group. So in today's world, we need person who can show light. Everybody is living in dark. तो हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके पास एक विजन हो, एक लाइट हो, एक सही समझ, सही सोच और आगे बढ़ने की क्षमता हो, ताकि वो अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सके. तो GD का कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, चाहे आप करियर में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्कर हो. लेकिन GD अगर आपके स्किल्स आपके अंदर हैं, तो आप डेफिनेटली घर में और बाहर में दोनों ही जगह एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन. हम देखेंगे कि अच्छे ग्रुप डिस्कशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. तो कीप वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टे ब्लेस्ड.